नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। थाना नेहटौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान संदिग्ध सेंट्रो कार नेहटौर की तरफ से तेजी से आते हुए दिखाई दी, जिसको पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी बैरियर को तोड़ते हुए तेजी से आगे निकल गई। पुलिस कर्मियों ने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी चालक ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया, जहां गाड़ी फंस गई। गाड़ी में सवार दो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश थाना हल्दौर के ग्राम अथाई जमरुद्दीन निवासी शहबाज पुत्र अकरम है, जिसके कब्जे से पुलिस ने वैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर, पशु वध करने के उपकरण और गाड़ी बरामद की। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 को आकू चेक पोस्ट थाना क्षेत्र नेटौर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि करीब 3 बजे एक सेंट्रो कार संदिग्ध अवस्था में बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई दी, जिसे पुलिसकर्मी ने रोकने का इशारा किया, किंतु गाड़ी न रोककर उसने बैरियर को तोड़ते हुए तेजी से आगे को निकल गया, जिसका पुलिसकर्मी ने पीछा किया गया। 500 मीटर आगे जाकर वाहन उसने कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया, जहां पर गाड़ी फंस गई। उसमें से दो बदमाश निकले और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया, जिसमें एक बदमाश को चोट लगी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम शहबाज सना अकरम ग्राम अथाई थाना हल्दौर का होना बताया गया है। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन से पशु काटने के उपकरण मिले हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।